वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और आज की हमारी खास शख्सियत हैं पाथवेज स्कूल के को फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रभात जैन जी। मिस्टर जैन, अगर किसी को भी अपने बच्चे को एजुकेशन देना है, स्कूल में ले जाना है, क्योंकि जब पहली बार नर्सरी में एडमिशन देना होता है बहुत ही भागदौड़ होती है, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कहाँ एडमिशन दे अपने बच्चे को, अगर मैं उनको कहूँ पाथवेज, देन वाई पाथवेज? दिस इज़ अ जनरेशन विच वॉज बॉर्न आफ्टर द इंटरनेट, दिस इज कॉल्ड द डिजिटल जनरेशन। और एक जो पुरानी थ्योरीज हैं अडेप्टेशन के हिसाब से इंसान अपने आप को धीरे धीरे अडेप्ट करता रहता है। तो इस जनरेशन को क्या चाहिए क्लासरूम में, ये सब बताता है कि क्लासरूम में जो एक शिक्षा पद्धति है दैट हैज़ टू चेंज टोटली एंड विच इज़ वॉट वी डिस्कवर्ड इन अ वेरी फर्स्ट ईयर। एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि एजुकेशन अब टीचिंग बेस्ड नहीं रह सकती, इट हैज़ टू बी लर्निंग बेस्ड। जहाँ क्लासरूम में आप सिचुएशंस क्रिएट कीजिए कि बच्चों को इट शुड बी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, बच्चे खुद रिसर्च कर रहे हैं, एक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस, सो दिस इज़ वॉट द चिल्ड्रन हैव टू बी ट्रेंड फॉर टुडे। तो उस हिसाब से पूरी एक शिक्षा पद्धति की रचना करी गई है पाथवेज में जी। और इसको आज की कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू करती है कि ये इस तरह की शिक्षा पद्धति बच्चों को तैयार करेगी एक आने वाले समय के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए, इसीलिए बच्चे हमारे पास आते हैं। बिल्कुल, तो ये जो खासियत आपने बताई है उसे मैं देखना भी चाहूँगी स्कूल में, और मैं चाहूँगी कि खुद आप बताएं कि कितनी उपलब्धियाँ इस स्कूल के नाम रही हैं और क्या भी क्या क्या वो अट्रैक्शन पॉइंट हैं आपके स्कूल के, हम उसे भी देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको लेके चलता हूँ। स्टूडेंट्स के थोड़ा सा आर्ट वर्क के बारे में बताता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी आर्ट गैलरी में आ गए हैं। वेरी प्रोफेशनल पेंटिंग और जो स्ट्रोकिंग है, कह नहीं सकते कि एक स्कूली बच्चा ये कर सकता है। इसके साथ साथ इन सब आर्ट के पीछे अगर आप देखें और डिपार्टमेंट में जाएं तो एक बहुत बड़ी रिसर्च बुकलेट होती है कि आप क्या चीज़ उस आर्ट के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं, किस तरह के मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस रहा, कितना आपको टाइम लगा, वो सब चीज़ डॉक्यूमेंट करी जाती है। सो दैट यू ग्रेजुअली एक्वायर दोज प्रोफेशनल हैबिट्स टू बिकम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। इस तरह की चीज़ें कुछ यहाँ आपको कुछ और चीज़ें जी। तो बच्चों के अंदर क्या कला है, क्या उनकी ताकत है, क्या भगवान ने उन्हें किस चीज़ से नवाजा है, ये टीचर्स का समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से टीचर्स अपने बच्चों से अपने रिलेशन को बनाते हैं और उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाते हैं? देखिए, इसका सबसे पहली चीज़ ये है कि टीचर का रोल क्या है। हम लोग, हमारा ये मानना है कि हमारे लिए एक अच्छे टीचर की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि वी डोंट कंसिडर हर टू बी अ गुड टीचर जिनके पास बच्चों के सारे सवालों के जवाब हों, बट वी कंसिडर हर टू बी अ गुड टीचर हु कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क सच क्वेश्चन जिनका उनके पास भी जवाब नहीं हो। कि बच्चों ये तो मुझे भी नहीं मालूम, आइए इकट्ठे ढूंढते हैं जी। जब इस तरह की एक माइंडसेट के साथ एक क्लास चलती है तो एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच की दीवार खत्म हो जाती है। आप इकट्ठे एक कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर रहे हैं जी। और सारी इनहिबिशंस ख़त्म हो जाती हैं और उसके साथ जब आप काम करते हैं धीरे धीरे तो बच्चे भी खुल के आ रहे हैं। वहाँ फिर आपको ट्रेन किया जाता है एज अ टीचर दैट हाउ डू यू पिक अप द इनेट टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स और उनको फिर आपको कैसे उभारना है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ये अवार्ड्स यहाँ रखे हुए हैं, रिकग्निशंस हैं जो पाथवेज को ओवरऑल मिली हैं। हम लोग अगर रैंकिंग्स को देखा जाए तो हर साल हमारी रैंकिंग्स इम्प्रूव होती जा रही हैं। इंटरनेशनल स्कूल कैटेगरी में पूरे एनसीआर रीजन में वी आर रैंक नंबर वन स्कूल, इंडिया लेवल में वी आर रैंक नंबर टू इन इंडिया। दिस इज़ समथिंग विच हैज़ रेज्ड ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स। ऐसे ही हमारे जो अगले दो स्कूल हैं जो 2010 में रचना करी गई वो भी पहले 10 रैंक्स में आते हैं। कई अवार्ड्स मिले हैं, इंडियन एजुकेशन अवार्ड, काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स। काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्कूल जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूके में बेस्ड है और जितने भी अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स वर्ल्ड वाइड हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। लेकिन इसकी एक्रेडिटेशन पाना आसान नहीं है। हमारे यहाँ करीब 50 देशों से बच्चे पढ़ते हैं, उसमें इस तरह की मान्यताएँ काफ़ी लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि अगर ये स्कूल CIS एक्रेडिटेड है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन हो रहे होंगे। बहुत ही आम आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास का इंसान जिसका बच्चा बहुत होनहार है, वो अगर सपना देखे कि मैं अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाऊँ तो क्या वो यहाँ दाखिला पा सकता है? बिल्कुल, एजुकेशन सीमित नहीं है खाली उनके लिए जो अफोर्ड कर सके जी। और ये हम बहुत स्ट्रांगली मानते हैं और समझते हैं। एंड टू दैट एक्सटेंट एक तो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें
और उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में चैलेंज को खाली एकेडमिक मापदंड पे नहीं तोड़ा जाता जी। उस स्कॉलरशिप में हमारे तीन तरह की स्कॉलरशिप हैं, चाहे आप एकेडमिकली ब्रिलियंट हैं या आप स्पोर्ट्स में ब्रिलियंट हैं या आर्ट्स में ब्रिलियंट हैं, आप में एक कैलिबर है बाकी कोई चीज़ बनने का, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, यहाँ आके आप पढ़ें और आपको सिखाया जाए और सब तरह की चीज़ें करी जाएँ। लाइकवाइज हम लोग अभी एक रूरल सेटिंग में हैं, तो हमारे आसपास के गाँव में हमने 7 गवर्नमेंट स्कूल्स सरकार से मैंडेट लेकर अडॉप्ट कर रखे हैं पिछले कई सालों से। अच्छा, तो वहाँ पे टीचर्स की नियुक्ति हमारे से हमने खुद कर रखी है, सरकारी टीचर्स के साथ साथ हमारे टीचर्स भी वहाँ पे पढ़ाते हैं, टीचर ट्रेनिंग करी जाती है, वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं, तो एक पूरा एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना रखा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट पेरेंट्स ने कभी फॉर्मल एजुकेशन ली भी है या नहीं ली, टू दैट एक्सटेंट हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई लेकिन एक अंदर डिज़ायर है बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की, एक सोच है, तो उनको हम यहाँ एजुकेशन कराते हैं जी। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम स्कूल में चलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, देखेंगे किस तरह से वो पढ़ते लिखते हैं, हंसते खेलते अपने टीचर्स के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रूबरू।